मैंने आपको बताया है कि आप जितने भी फूड को खाते हैं, इन फूड को प्रिपेयर करने में लगते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल्स आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। अब ये डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सो डिफरेंट सोर्सेज की पहली मेजर कैटेगरी होती है प्लांट सोर्सेज, और दूसरी कैटेगरी होती है एनिमल सोर्सेज। आप देख रहे हैं एक थाली के अंदर कैरेट रखा हुआ है, पीज रखे हुए हैं, गोर्ड रखी हुई है, टमाटो रखा हुआ है, कोई फ्रूट हो सकता है, पल्सेस रखे हुए हैं। ये सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सभी बिलोंग करते हैं हमारे प्लांट सोर्सेस को। क्यों? क्योंकि ये सभी हमें मिलते हैं प्लांट्स के थ्रू। जब हम बात करते हैं अदर हाफ की, सो अदर हाफ में आपको दिख रहा है मीट, चिकन, एग, चीज़, या चीज़ के अलावा हम बात कर सकते हैं अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की भी। सो ये सभी जो रहते हैं आर्टिकल्स, ये हमें मिलते हैं एनिमल सोर्सेज के थ्रू। आपको पता है वी गेट दिस मिल्क फ्रॉम काउ और बफेलो, एग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द चिकन, मीट इज अगेन फ्रॉम एनिमल, चिकन का जो हम फ्लैश यूज़ करते हैं हमारे फूड के तौर पर इज अगेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स ओनली। आप जितना भी खाना खाते हैं, ये सारा खाना कहीं ना कहीं प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से ही आता है। डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं, बट देयर आर ओनली टू सोर्सेस विच एक्चुअली गिव्स यू द रॉ मटेरियल, और इन्हीं रॉ मटेरियल्स को या इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके डिफरेंट फूड आर्टिकल्स को या आइटम्स को बनाया जाता है।